और गाइस आज हमारे मुंह खुकी ने थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है और ये लेटा है अभी धूप में। हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? वेलकम टू माय चैनल, स्वागत है आपका सपना की स्मॉल फैमिली में। मैं आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, हम लोग भी अच्छे हैं गाइस। और गाइस ये बनाने जा रही हूँ मैं बीन्स और आलू की सब्जी। आलू अभी धो के ना काट के अभी इसी में मतलब मिक्स करूँगी सब्जी में, फिर बनाऊँगी सब्जी। और ये देखो बाहर कितने सारे पत्ते हो गए हैं, और ये रोज़ की हो जाती हैं इतने, और उतने मैं लगा लेती हूँ, उतने वो झाड़ू लगाने वाले भैया आते हैं ना तो वो भी लगा देते हैं बेचारे, वो भी क्या करें, हो जाते हैं वो दिन भर गिरते हैं, वो दिन भर थोड़ी ना कोई लगाएगा। तो मैं भी सुबह साफ़ कर देती हूँ, धुलाई उलाई, फिर इसके बाद फिर शाम को झाड़ू लगा देती हूँ। और ये नाश्ता दे रही हूँ मैं अपने बच्चों को, बस मैं थोड़ा सा 5 मिनट रेस्ट कर रही थी, अभी किचन से खाली हुई हूँ, बच्चे स्कूल भी गए हैं और अभी थोड़ा सा 5-10 मिनट रेस्ट ले रही हूँ। मेरा सुबह से सिर में भी दर्द था, अभी ठीक है, सुबह हो रहा था तो अब तो ठीक है। बस अभी पूरा काम कर लूँ, फिर इसके बाद आराम कर लूँगी, एक आध घंटे सो लूँगी ना तो मेरा ठीक हो जाता है। मैं और जब भी मेरा सिर दर्द करता है ना तो मैं झंडू बाम लगा लूँगी, विक्स लगा लूँगी, और मेन चीज़ है कि मैं 1-2 घंटा निकाल के आराम से लेट जाऊँगी, एकदम अच्छे से रिलैक्स फील करूँगी, नींद आए या ना आए। और नींद आ जाती है तो और भी अच्छा, फिर सो के उठती हूँ ना तो गायब हो जाता है। तो जब भी सिर दर्द करे तो आराम से लेट जाना चाहिए, सो लो तो और भी अच्छा है, 1 घंटे वो बढ़िया से हो जाता है, वो दवा की फिर मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती है सच्ची में। तो अभी तो ये चश्मा भी है मेरे पास तो मैं लगा लेती हूँ, जब भी मेरा दर्द करता है, मतलब ऐसा प्रेशर लगता है मुझे आँखों में सिर में, तो मैं ऐसे लगा लेती हूँ 1-2 घंटे के लिए, तो बस थोड़ा सा मैं रेस्ट कर लूँ। आज मैंने दिखाया आपको कि फली बनाई हुई वाली और बीन्स, मतलब तो बीन्स बनाई मैंने सब्ज़ी, और वो ही मैंने टिफ़िन में भी दिया है बच्चों को, रोटी और ये रोज़ रोज़ पराठे भी नहीं, गर्मी में दे सकती है अचार पराठा, और रोटी भी बना के रख ली मैंने। और रोज़ की तरह गुलशन यस चले गए स्कूल, और उसके पापा आज भी घर में हैं तो वही छोड़ने गए हैं। और थोड़ा सा अभी बादल हो गया था ना सुबह टाइम, तो बहुत ही अच्छा लग रहा था मुझे, बीच बीच में हो जाता है तो अच्छा लग जाता है, धूप चली जाती है तो। और ये देखो गए हैं स्कूल तो ये फैला दिया, मतलब उधर वो देखो बुक्स हैं, ये है कपड़े, तौलिया गीली, रुमाल, और पूरा उथल पुथल करके फटाफट रेडी होके चले गए। और बस मैं कर रही हूँ अभी काम, तो ये सफाई कर लूँ। तो कल तो हमने बेड सही कर लिया, और आज करवा रही हूँ मैं अलमारी के ऊपर है ना, तो थोड़ा सा सामान जैसे रख देती हूँ, उधर बहुत ही मिट्टी चढ़ गई है, तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा हेल्प ले लेती हूँ हस्बैंड की, और मैं सफाई थोड़ा सा ऊपर करवा देती हूँ, तो वो कर दे रहे हैं मेरी हेल्प। और फिर मुझे थोड़ा सा अलमारी के कपड़े भी सेट करने थे, मतलब मेरे और बच्चों के सब मिक्स हो गए थे हस्बैंड के, तो मैं अलग अलग कर रही हूँ, फिर वो अपने ढूंढते रह जाते हैं मेरी टी शर्ट कहाँ है, मेरी पैंट कहाँ है, और मुझे भी अपने नहीं मिलते हैं, तो इसलिए सबके अलग अलग छांट के अच्छे से रख दे रही हूँ, ताकि उन्हें पता चलता रहे कि ये मेरे हैं, ये मेरे हैं और ये मेरे हैं। तो बस मैं इसी तरीके से लगा रही हूँ, और लगा के अच्छे से रख दूँगी, और आसानी रहेगी सबको निकालने में अपने अपने कपड़े। फिर इसके बाद मुझे करना है, मुकू चिल्ला रहा है, उसको जाना था ये टहलने, जब उसको टहलने जाना होता है ना तो बाहर के लिए कहता है। और ये मैं बादल की तरफ देख रही हूँ गाइस, ये देखो कितना सुंदर व्यू आ रहा है, आप देख सकते हो बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है, और ये ज़मीन से नीचे मतलब सुंदर लग रहा है, ऊपर बहुत ज़्यादा बादल हो रहे हैं थोड़ी थोड़ी से, और ये बहुत ब्यूटीफुल है। और ये ना भंडारा हो रहा था हमारे यहाँ पे, तो मैं और हस्बैंड दोनों भंडारा ले आए, ये पानी की थैली भी उन्होंने दी, और पूड़ी, आलू की सब्ज़ी और एक बिस्किट, तो ये भंडारे में मिला है, तो मैं एक खा लूँगी, एक रख दूँगी अभी, और एक बच्चे आके खा लेंगे। बीन्स की और आलू की सब्ज़ी बनाई थी तो अभी थोड़ी सी खा लूँगी, और भंडारा भी खा रही हूँ, और बहुत ही टेस्टी यहाँ पे भंडारा होता ना तो सब्ज़ी बहुत ही टेस्टी होती है आलू की, तो मैं खाना खा लेती हूँ। तो गाइस बीन्स और रोटी भी मैं खा रही हूँ थोड़ी सी, और मेरा सिर अभी भी थोड़ा सा भारी था तो हस्बैंड मेरा सिर दबा रहे हैं,
और वो दवा देते हैं मेरा सिर, और मैं भी उनका, जब उनका दर्द होता है या फिर, तो बस एक दूसरे का हम दवा लेते हैं, और ये चंपी कर रहे हैं मेरे सिर में, और मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। मैं सोच रही हूँ थोड़ा सा लेट के बस आराम कर लूँ। और ये गुलशन आज ऑमलेट बना रहा है वो, और आपको दिखाऊंगी वो कैसे बना रहा है। और पहली बार बना रहा ऑमलेट, और ये प्याज व्याज काट रहा है, अब देखती हूँ कैसे बनाता है। ये बनाया गुलशन ने ऑमलेट, एक अंडे का है, अच्छा है, मतलब वो बनाता नहीं है ना, फिर भी उसने अच्छा बनाया ऑमलेट। थोड़ा मोड़ा तो आना चाहिए मतलब बनाना, कभी मैगी बना लिया तो दूध पका लिया, दूध ब्रेड भी खा सकते हो, ऑमलेट, ये छोटी छोटी चीज़ें ना आनी चाहिए, तो वो तो बना लेते हैं। और गाइस आज हमारे मुंह की ना थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, और ये लेटा है अभी धूप में। दोस्तों मुंह के कान में हमारे इन्फेक्शन हो गया हमारे डॉगी के, उसके लिए मैं दवा लेके आया हूँ, वो दवा लगाएंगे जमुकू। और ये देखो मैं दिखा रही हूँ आपको, ये कान में ना छोटा छोटा से ना चोट से लगे हैं इसके, और ये जहाँ से हम लोग दवा लेके आए उन्होंने बोला कि गर्मी से हो रहा है इसका, और ये पैरों से ना फिर खुजली कर रहा है उस कान में, दोनों कान में, तो फिर वो और ज़्यादा बढ़ रहे हैं, तो इस वजह से दवा लेके आए हैं ये, तो ये दवा लगा दे रहे हैं। तो उन्होंने बोला 2-3 दिन लगाओगे ना तो ठीक हो जाएगा उसका, इसको प्रॉब्लम हो रही है, मैं देखूँ लगवा नहीं रहा है, उन्हें पता नहीं कैसे क्या कर रहे हैं, तो मैं आराम से उसके सिर में खुजली कर रही हूँ। और फाइनली फिर उसको अच्छा लगने लग गया, तो वो जान गया ना कि मुझे, हाँ मेरी हेल्प कर रहे हैं, मेरे दवा लगा रहे हैं, और बस आराम से लेट गए। फिर वो उसको खुजली होने लग गई बढ़िया से, और लकड़ी में ना कॉटन लगा रखे हैं, तो कॉटन से ही हम लोग लगा रहे हैं गाइस, और बड़े प्यार से लगवाने लग गया। और मुंकू को भी अब घर का सदस्य है वो भी है, और उसको भी कुछ हो जाता ना तो हमारा भी मन नहीं लगता कि मतलब उसको, तो ये अब ठीक हो जाएगा उसका 2-3 दिन में। शाम हो गई है गाइस, और सुबह तो मतलब बादल वैसे था, थोड़ा थोड़ा था, और अभी थोड़ा काला हो रहा है, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, हवा चल रही है, तो बहुत ही प्यारा मौसम है इस टाइम का भी। और ये देखो पत्ते कितने सारे गिर गए, हवा चल रही है अच्छी तेज, और मैं ठंडी ठंडी हवा का मज़ा ले रही हूँ, इंजॉय कर रही हूँ बाहर, बहुत ही अच्छा लग रहा है। शाम हो गई है दोस्तों, शाम के 7 बज गए हैं, फिर भी ऐसा लग रहा है जैसे बहुत अंधेरा हो गया, एकदम काला छा गया है। ये देखो गाइस हम लोगों ने रात का खाना भी खा लिया, और खाने में हमने अंडा बनाया था आज, और हम खाना खा के टहल रहे हैं। और कल जो मैंने वीडियो में आपको बताया था कि स्कूल की तरफ से गुड न्यूज क्या है, तो वो मैं बताने वाली हूँ। यस इंग्लिश मीडियम में पहुँच गया, टेस्ट हुआ उसका और वो पास हो गया, और वो इंग्लिश मीडियम में पहुँच गया, और गुलशन का बहुत ही अच्छा मतलब रिजल्ट आया है, तो वो भी मुझे दो चीज़ों में बहुत खुश थी मैं, दोनों के मतलब स्कूल की तरफ से ये खुशखबरी थी। बस गाइस हम लोग 10-5 मिनट टहल ले रहे हैं, और हवा बहुत ही ठंडी ठंडी चल रही है, बारिश नहीं हुई, बादल तो उड़ गया पर अभी भी बादल है काला, और अच्छा लग रहा है, बहुत ही प्यारा मौसम है। अब जा रहे हैं हम लोग टहल के सोएंगे। बस वीडियो आज तक हम आज की वीडियो यहीं तक रखेंगे, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर करना, चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू वीडियो देखने के लिए, बाय बाय।